सो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ तिनसुकिया स्टेशन में। तो मैं अभी जा रहा हूँ बिहार। सो गाइस, अभी हम लोग ट्रेन में उठ चुके हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे। तो आवा था शाम में यहाँ से तिनसुकिया से एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बिहार। तो मैं हूँ, ये है खुशी लाल एंड बुआ है। तो हम लोग तीन आदमी, मतलब तीन जन हम लोग जा रहे हैं यहाँ से एंड हमारा सीट इसके मतलब इस तरफ वाला है एंड अभी हम लोग इस तरफ आकर बैठे हैं क्योंकि इस तरफ थोड़ा खाली है। तो अभी लोग आए नहीं है, तो धीरे धीरे ये वाला पार्ट भी भर जाएगा। तो ये वाला पूरा खाली है, अभी ये वाला पूरा खाली है। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड देखिए बाहर कितना ज़्यादा धूप निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। चले जाएंगे नहीं, जाना है अंदर जाएगा। चले जाएंगे नहीं, जाना है अभी। अंदर जाएगा, घर जाने के लिए अंदर जाएगा, एसी में टिकट और भी है। ठीक है, वो टिकट बच्चे लेके हम इधर इसको आधा घंटा समय दीजिए, दिमाग ठीक कर, आधा घंटा दिमाग ठीक कर लो। और नहीं तो तुमको हम चार्ज करके फोन करेंगे, चारों बच्चे जमा हो जाएगा और तुम चल जाएगा जेल में, रसा लग जाएगा। टिकट नहीं है तो तुम्हारा बात हम कुछ नहीं सुन सकते। कैसे टिकट नहीं है? देखो, देखेगा आप जब भी करेंगे, जब टिकट है जनरल में भी टिकट है। अच्छा ठीक है, ये दिखाओ जहाँ है वहाँ चल जाओ, चल जाओ जनरल में दिखाओ। राजस्थान तो बहुत शहर है, शहर के नाम बताइए। सो गाइस, ये है सेकेंड डे एंड अभी जस्ट आधा घंटा पहले सो के उठा हूँ एंड ब्रश वॉश मैंने कर लिया। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं किशनगंज एंड अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, पूरा 7 बजे पहुँचा है किशनगंज। तो अभी जस्ट ट्रेन रुकी है यहाँ पे, तो करीब 5 मिनट का होल्ट होगा। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है एंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटिहार जंक्शन। तो यहाँ पे करीब 5-10 मिनट का होल्ट है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है बाहर में। तो अभी आसाम से हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है? भैया आइसक्रीम रखे हैं क्या? गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड अभी मालूम चल रहा है गर्मी का, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे थे हम लोग असम में, वहाँ पे तो गर्मी नहीं था ज़्यादा। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एंड सामान मैंने यहाँ पे रख दिया सारा एंड अभी करीब 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे मुजफ्फरपुर स्टेशन। अभी टाइम हो रहा है 5:30 हो रहा है, तो एक घंटा लेट चल रहा है।
तो गाइस अभी हम लोग उतर चुके हैं ट्रेन से एंड अभी जस्ट उतरे हैं एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। टाइम हो रहा है अभी 5:45, तो 5 मिनट बाद ही हम लोग उतर गए। तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हैं। सो गाइस अभी बुआ लोग चली गई एंड अभी मैं वेट कर रहा हूँ पंकज का। पंकज आ जाएगा अभी 10-15 मिनट में, तो उसके आते ही फिर मैं निकलूँगा घर के लिए। तब तक स्टेशन में ही वेट करते हैं। सो गाइस अभी मैं बता ही रहा था एंड पंकज अभी जस्ट पहुँचने वाला है, तो वो बाहर गेट के बाहर है, तो चलते गेट के बाहर एंड देखते हैं कहाँ पर। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ये वाला एरिया। तो जा गया पंकज लाल। अभी हम जस्ट यहीं पर रुका हुआ था, अभी जस्ट यहीं पे रुका हुआ था, तो अभी हम लोग वो चला गया उधर से, अभी जस्ट निकले गए। एक घंटा लेट नहीं होता था, सही टाइम पे पहुंच जाता। निशान उस समय था, बोले कि रिसीव कर लेना। हाँ देखिए तुम्हारा ट्रेन लेट है एक घंटा। हाँ कहाँ जाने वाला था ना, पटना नहीं गया। तो देखिए हर तरफ लीची मिल रहा है, लीची 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 मिल रहा है। इसी नाले के पानी को हम मिस किया था, अभी भी वैसे ही है बरकरार। तो गए जाने के पहले कुछ मिठाई उठाई ले लेते हैं। ले लो ना, रोस्ट कौन ये ले लो, आगे भी खराब मत लगाइए, इसको फ्रेश है भी देख के तो लगा उजरा 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 लग रहा है। सभी हम लोग ये वाला ले रहे हैं और ये वाला ले रहे हैं। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your head.